أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله كما هو أهله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم مصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين أما بعد قال الحسين عليه السلام الناس عبيد الدنيا والدين لائق على ألسنتهم فإذا محسوا بالبلاء قلت الديانون अल्लाह तबारक का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें और आपको एक मरतबा फिर ये तौफीक दी कि हम आज़ादारी अब अब्दुल्लाह हुसैन अलैहिस्सलाम अंजाम देकर आज़ादारी के इस नूर से अपने वजूद को नूरानी कर सकें इमाम हुसैन दवाए दर्द इंसानियत के उनवान से इस अशरे में हमारी गुफ्तगू रहेगी इनशा इमाम अलैहिस्सलाम के लिए हम हर साल आज़ादारी करते हैं गिरिया करते हैं मातमो मजलिस पपा करते हैं और इमाम रजा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलूमियत पर अगर कोई एक जर्र अश्क बहाए उस पर आतिश जहन्नम या जहन्नम की आग हराम हो जाती है अल्लाह उस पर जहन्नम की आँख को हराम कर देता है और उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं तो यकीनन हम आज़ादारी तो करते हैं गिरिया तो करते हैं लेकिन क्या वाकई इमाम अलैहिस्सलाम की यह हदीस हम पर अप्लाई होती है या नहीं इसको हम ज़रा एनालाइज करते हैं और देखते हैं कि क्या हम इस हदीस के ज़ुमरे में शामिल होते हैं या नहीं क्या हर किस्म का गिरिया करना जहन्नम की आग को हम पर हराम कर देता है या नहीं कुछ ख़ास शराइत के साथ गिरिया करना जहन्नम की आँख को एक इंसान पर और मोमिन पर और आजादार अबाबिल्सैन आसमाम पर हरा हराम कर देता है और उसके गुना मुआफ़ हो जाते हैं देखिए हम नॉर्मली जब किसी हकीकत को पहचानना चाहते हैं समझना चाहते हैं तो हम नॉर्मली किसी एक हदीस या किसी एक आयत से इस्लाम के मुकमल नज़रिए को नहीं समझ सकते हैं। यानी हम अगर एक आयत को या एक रिवायत को मैार करार दे इस्लाम के नज़रिए को समझने के लिए तो ये रविश और ये तरीक़ा गलत तरीक़ा है इसलिए हमारे मुष्तन इसीलिए हमारे मुश्तन जब इस्लाम के नज़रिए को पेश करना चाहते हैं तो वो मुकम्मल इस्लाम का मताल करके किसी मौजु पर उस इस्लाम के नज़रिए को उस मौजुअ पर पेश करते हैं तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही सिलसिला है मिसाल के तौर पर रवायात में बयान हुआ है कि जिस क़दर नमाज में इंसान हजूर कल्ब के साथ उस नमाज को अंजाम देगा उस नमाज़ की कबूलियत उतनी ही ज़्यादा होगी एक रिवायत में ये हकीकत बयान की गई है लेकिन इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं कि इस नमाज को जब हजूर क़लब के साथ इंसान पढ़े तो उसके लिए बाकी शराइत का होना ज़रूरी नहीं है मिसाल के तौर पर अगर इंसान नमाज को हजूर कल्ब के साथ पढ़ना चाहे लेकिन इंसान ने वज़ू ना किया हो तो यकीन ये नमाज काबिल क़बू नहीं शायद अक्सर लोगों के साथ ऐसा वाक़ पेश आया हो कि कभी कभार इंसान को नमाज में बहुत ज़्यादा लजत महसूस होती है इंसान बहुत और खुशु और हजूर कल्ब के साथ नमाज़ पढ़ता है और इंसान ख़ुद तजब भी करता है कि आज मुझे नमाज में बहुत लजत महसूस हो रही है आज मैं नमाज को बेहतरीन हजूर कल्ब के साथ पढ़ रहा हूँ लेकिन नमाज पढ़ने के बाद हमें ये बात याद आती है कि मैंने वज़ू ही नहीं किया तो शैतान दर हकीकत अपनी उन रुकावटों को उठा देता है कि भाई इसने वज़ू ही नहीं किया ये लाख हजूर कल्ब के साथ नमाज पढ़े चूँकि इसने वज़ू नहीं किया है वज़ू बुनियाद है नमाज की लिहाजा इसकी नमाज काबिल कबूल नहीं मोरिद क़बूल दरगाहे परवरदगार आलम वाक़ नहीं होगी तो बस हम नमाज की कबूलीत को सिर्फ़ इस एक रवायत से उस न, वो नतीजा वो मतलूब नतीजा नहीं ले सकते हमें तमाम रिवायात को देखना चाहिए जिस तरह नमाज के लिए वज़ू का होना शर्त है लिबास का पाक होना शर्त है जगह का पाक होना शर्त है वज़ू के पानी का मुबा होना शर्त है और इस तरह के दसियों और शरात मुख्तलिफ रिवायात और आयात में बयान किए गए हैं तब जाकर हम एक नतीजा अक्स कर सकते हैं तब जाकर हम एक नतीजा ले सकते हैं कि नमाज किन शराफ के साथ काबिल क़बूल है बिल्कुल इसी तरह इमाम रजा आल्लम की इस हदीस में के इमाम फरमाते हैं कि अगर कोई एक मक्की के एक बाल और पर जितना आंसू बहाए मजलूमियत इमाम हुसैन पर उसके तमाम गुनाह मुआफ हो जाते हैं और अल्लाह उस पर जहन्नम की आँख को हराम करार दे देता है तो क्या ये हर गिरिया ये शराइ रखता है नई अजीज़ा ने महतरम हर गिरिया ये खसूसियत नहीं रखता गिरिए की मुखलिफ़ अकसाम है मिसाल के तौर पर देखिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को हम दो हैसियत से देख सकते हैं एक ऐसी हैसियत से कि हुसैन एक शख्स गुजरे हैं तारीख़ में सन इकसठ हिजरी में उन पर जुल्म हुआ उनकी फैमिली को शहीद किया गया उनको शहीद किया गया उनके अंसार को शहीद किया गयासैन नाम ही एक शख्स गुजरा है एक इस हैसियत से हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं और एक दूसरी हैसियत से उनके इमाम होने की हैसियत से हम इमाम अलैहिस्सलाम को देख सकते हैं और अल्लाह ने जो क्वालिटीज़ और सिफात इमाम के लिए करार दी हैं उन क्वालिटीज़ के को नज़र रखते हुए हम इमाम की शख्सियत को मद्दे नज़र रखें बस ये दो हैसियतें हुई अगर हम इमाम की उन क्वालिटीज़ को मद्नज़र नहीं रखेंगे तो अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह कोई और शख़्स होता कोई अंग्रेज़ होता कोई गैर मुसलमान होता उस पर ये मजालिम ढाए जाते तो हम इंसान हैं इंसान का फ़ितरत पाक है अगर इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जगह कोई गैर मुसलम भी होता और इस तरह के मजालिम उस पर ढाए जाते तो इंसाऩलबी तौर पर मगमूम हो जाता है इंसान इंसान को दुख होता है इंसाऩलबी तौर पर गमगीन हो जाता है आजकल सोशल सोशल मीडिया का दौर है आपने सोशल मीडिया में कई ऐसी क्लिप्स देखी हैं जब वहाँ पर बच्चों पर जुल्म होता है जानवरों पर जुल्म होता है तो इन मजालिम को देखकर इंसान का दिल नरम हो जाता है इंसान के दिल में एक गम पैदा हो जाता है चाहे वो इमाम हो ना हो एक आम इंसान पर हती कि किसी जानवर पर जब इंसान किसी जुल्म को देखता है तो इंसान का दिल गमगीन हो जाता है एक मरतबा हम इमाम को इस हैसियत से देखते हैं कि इमाम हुसैन एक शख्स गुजरे हैं उन पर जुल्म हुआ है और हमारा दिल गमगीन हो जाता है इस हवाले से लेकिन एक मरतबा हम इमाम के उस इमामत को मद रखते हैं कि इमाम इमाम गुजरे हैं वली वलीअल्ला गुजरे हैं अल्लाह के वली गुज़रे हैं और अल्लाह ने मुख्तिस सफ़ात और शराइ और खसूसियात और क्वालिटीज़ इस इमाम के लिए करार दी हैं उन तमाम क्वालिटीज़ को मद् रख कर हम इमाम पर गिरिया करते हैं बस इन दो गिरिया करने में इन दो रोने में और आज़ादारी में फ़र्क़ है अगर एक आम इंसान की हैसियत से हम इमाम पर गिरिया करते हैं चाहे अगर इमाम की जगह कोई और शख्स भी होता किसी और पर भी जुल्म होता हम गिरिया करते हैं। ये एक गिरिया करना है इस पर इमाम रजा सलाम की उस हदीस को हम अप्लाई नहीं कर सकते लेकिन एक मरतबा हम इमाम हुसैन आलम को वलील अल्लाह का वली के उनवान से उस पर गिरिया करते हैं और अल्लाह ने उसके लिए जो सिफात और क्वालिटीज़ करार दिए हैं उन तमाम क्वालिटीज़ को मद्देनज़र नज़र रख कर हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर गिरिया करते हैं तो इस गिरिए में, उस गिरिये में और उस गिरिए में ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ है दोनों गिरियों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ है लिहाजा हम उन क्वालिटीज़ के साथ इमाम को देखें जिन क्वालिटीज़ को अल्लाह ने इमाम के लिए करार दिया है और अगर हम इमाम की क्वालिटीज़ को पहचानना चाहते हैं हम इमाम की खसूसिया को पहचानना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन ज़रिया ज़्यारत जामिया कबीरा है कि ज़्यारत जाम क़बीरा इमाम शिनासी के अनवान से एक बहुत ही ज़बरदस्त ख़ूबसूरत और बहुत बुलंद ही बुलंद वाला मारफ़ और मज़मून वाला एक ज़्यारत है और जिस तरह बुज़ुर्गों की ज़िंदगी में नक़ल हुआ हैलमा मुश्तिन की ज़िंदगी में नक़ल हुआ है कि वो ज़्यारत जाम कबीर को डेली बेसिस पर तोज्जो और दिक्कत के साथ उसकी तिलावत किया करते थे कि इंसान ज़्यारत जाम कबीर के ज़रिए इमाम को पहचान सकता है क्योंकि खुद इमाम मासूम इमाम मासूम की क्वालिटीज़ बयान फरमाते हैं लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि इमाम रज़ा की यह हदीस हम पर फिट आए हम पर अप्लाई हो तो हमें इमाम की नस्बत अपनी मार्फत को बढ़ाना चाहिए ज़्यारत जाम कबीरा के एक फराज में हम इस तरह सलाम देते हैं आई मासूमिन को असला आईतल के ए हिदायत के इमाम आप पर हमारा सलाम हो यानी इमाम की एक क्वालिटी क्या है इमाम मासूम की कि वो हिदायत के इमाम हैं यानी हमने आय मासूमिन को अपना इमाम करार देना है इमाम किसे कहते हैं इमाम रहनुमा और पेशवा को कहते हैं इमाम रहबर को कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी में इमाम को रहबर करार देना है अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हम अपनी ज़िंदगी में अक्सर आय मासूमी को रहबर जिंदगी का रहबर करार नहीं देते हम बिल्कुल भी उनको रहबर के उनवान से तो मानते हैं रहबर का लफ्ज़ और इमाम का लफ्ज़ तो उनके लिए इस्तेमाल करते हैं लेकिन हकीकी मानों में उन्हें अपनी ज़िंदगी में हम रहर करार नहीं देते ये एक फैक्ट और हकीक़त है इंसान क़ुरान मजीद में दो क़म के रहबर बयान किए गए हैं अल्लाह तरआन मजीद में फ़रमाता है वह जाना मतन आई मतन यहदूनब कि हमने एक ग्रोह को इमाम करार दिया पेशवा और रहबर करार दिया जो हमारी तरफ और हमारे अमर की तरफ वो लोगों को दावत देते हैं और ख़ुदा वंद मताल अल्लाह तरन मजीद में एक और इमाम की भी मौरफी करते हैं एक और इमाम को भी पहचानवाते हैं कि एक और इमाम भी है व जानाहुम आईम मतन यहन्नार और एक ऐसा पेशवा और रहबर भी इस दुनिया में है जो लोगों को जहन्नम की तरफ और जहन्नम की आग की तरफ़ दावत देता है बस इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी में इन दो इमामों के दरमियान मुख्तार है कि इंसान ऐसे इमाम को इमाम बनाए जो उसे अल्लाह की तरफ दावत देता है या इंसान ऐसे इमाम को इमाम बनाए जो उसे जहन्नम की तरफ दावत देता है बस इंसान ज़िंदगी के हर फैसले में इन दो आइमा के दरमियान इन इन दो आइम्मा के इख्तियार करने के दरमियान मुख्तार है अपने ज़िंदगी के मुख़्त शबों में अपने ज़िंदगी के फ़र्दी शोबे में इजमाही शबे में इस ज़िंदगी में मुख्तलि ज़िंदगी के मुख्तिफ़ शोबों में इंसान इन दो इमामों में से किसी एक को अपना रहबर और इमाम करार देता है अगर हम चाहते हैं कि आयम मासूमी को अलिया इलाही को अपना रहबर करार दें तो हमें करना ये चाहिए कि उनके नज़रियात को उनकी फिक्री बुनियादों को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करें हमें ज़िंदगी हर शोबे में देखना चाहिए कि हमारा इमाम हमें किस तरह रहनुमाई फरमाता है हमारा इमाम हमें किस तरह दावत दे रहा है ज़िंदगी के मुख्तलिफ शबों में हमारे इमाम का नजरिया क्या है उस खास शोबे में मिसाल के तौर पर इस दिवाजी ज़िंदगी इंसान गुजारना चाहता है मेरे इमाम का क्या नज़रिया है मेरा इमाम इस हकीकत को किस तरह देखता है इस हकीकत के बारे में मेरे इमाम ने कौन से उसूल बयान किए हैं तब जाकर इंसान आयम मासूमिन को अपना इमाम करार देता है रवायात में बयान हुआ है ख़ुद आय मासूमिन इमाम सादिक सदक़ फरमाते हैं इमाम अली फरमाते हैं कि हमारे बाज़ बाज़ लोग हमें अपना इमाम समझते हैं लेकिन हम उनके इमाम नहीं हैं अल्लाह की लानत हो उन पर जो हमें अपना इमाम तो कहते हैं लेकिन अमली मैदान में फिक्री और एतक़ादी मैदान में हमारी सुनत की मखालफत करते हैं हमारे नज़रियात की मखालफत करते हैं हम कुछ कहते हैं वो कुछ कहते हैं हम कुछ कहते हैं वो कुछ और पैगाम आगे पहुंचाते हैं अल्लाह की लानत हो ऐसे लोगों पर जो हमें अपना इमाम तो कहते हैं लेकिन अमल में अफकार में नज़रियात में हम हमारी मुखालफत करते हैं बस अगर हम चाहते हैं कि हम हकीकी शिया हों इमाम रज़ा आलाम की ये हदीस हम पर अप्लाई हो एप्लीकेबल हो तो हमें चाहिए कि आए मासूम को अपनी ज़िंदगी में इमाम करार दें और बास क्वालिटीज़ और बास सिफ़ात आयम मासूमी ने बयान किए हैं कि हमें देखना चाहिए उन क्वालिटीज़ के साय में कि क्या वाकई हमने इमाम मासूम को इमाम करार दिया है या नहीं या सिर्फ़ हमने ज़बानी लक़ल़ा इख्तियार किया हुआ हुआ है कि आयम मासूमी हमारे इमाम हैं क्या फरमाते हैं पास क्वालिटीज बयान फरमाते हैं इमाम फरमाते हैं कि इन नमा शिता असहाब अर असहाबुलरबात आयुन के हमारे शिया चार आंखों के मालिक हैं हमारे शिया चार आंखों के मालिक हैं आनान ऐनान फिलस दो आंखें उनके, उनके सर में हैं दो ज़ाहरी आंखें हैं वनान उन वयनान फिलकलब और दो आंखें उस उनके दिलों में हैं अलाखलाए को तमाम इंसान ऐसे ही हैं इल्ला फ़तः अबसा रखम वफसा रखम कि चार आँखें तमाम इंसान चार आँखें रखते हैं लेकिन जो अहले अहल बैतूल के शिया हैं हकीकी शिया हैं अल्लाह ताला ने उनकी ज़ाहरी आँखें भी बीना की हुई हैं और उनके बातिनी आँखें भी बी की हुई हैं बस एक इमाम ने क्वालिटी दे दी इमाम ने एक सिफत बतला दी कि अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम वाकई शिया हो या नहीं तुम वाकई तुमने आयम मासूमी को अपनी ज़िंदगी में आए इमाम करार दिया है या नहीं तो तुम देखो कि तुम्हारी बातिन यंखें खुली हैं या नहीं तुम्हारी बातिन की आंखें खुली हैं या नहीं तुम हकीकतों को देख पा रही हो या नहीं तुम गुना के जब नज़दीक जाना चाहते हो तुम्हारा दिल गुनाह की हकीकत को देख कर तुम्हें गुना से दूर करता है या नहीं अगर ख़ुदा ना नखास्ता हम, हम ऐसे नहीं हैं तो हमें अपने हकीकी शिया होने पर हमें वर्क करने की ज़रूरत है हमें काम करने की ज़रूरत है हमें मेहनत करने की ज़रूरत है क्योंकि सिर्फ ज़ाहरी कहने से इंसान शिया नहीं बन जाता शिया बनने के लिए इंसान को मेहनत के हवाले से ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में कुर्बानी देनी पड़ती है हम आम इंसानों की तरह नहीं है कि जिस तरह एक आम इंसान एक गैर मुसलमान अपनी ज़िंदगी जिस तरह चाहता है वो अपनी ज़िंदगी बसर करता एक शिया इस तरह नहीं बस इमाम ने एक क्वालिटी और सिफत बयान कर दी कि अगर तुम देखना चाहते हो कि तुम हकीकी शिया हो या नहीं तुम हमारे हकीकी पैरोकार हो या नहीं तो तुम ये देखो कि तुम्हारी बातनी आँखें खुली है या नहीं दूसरी क्वालिटी इमाम बयान फरमाते हैं लव अन न शि तस्ताम लसाफ अलमलाइा कि अगर हमारे शिया इस शिया होने पर इस्तकाम करें अगर हमारे शिया हकीकी शिया हो तो मलाइक़ा उनके साथ मुसाफ़ा करते हैं मलाइका उनके साथ हाथ मिलाते हैं, लाते हैं वजल लहमाम और बादल उन पर साया करते हैं वला अशरक़ू नहारा और ये दिन के वक्त नूरानी होते हैं नूर इनके वजूद से सातिर होता है लअलुमिनफ़ो हिम व मिन तहत हिम, और हमारे शिया की एक और क्वालिटी ये है कि ज़मीन व आसमान से इन पर अल्लाह की रिस्क नाजिल होती है वलम सता और जब भी ये अल्लाह से कुछ सवाल करते हैं कुछ मांगते हैं अपनी हाजत तलब करते हैं तो अल्लाह अल्लाह इन्हें इनकी हाजत अता करता है तो ये क्वालिटीज़ हमें इन रिवायात के साय में इन क्वालिटीज़ को हमें अपने ऊपर अप्लाई करना चाहिए कि क्या वाकई तौर तो पर क्या वाकई ये क्वालिटीज़ हम पर अप्लाई होती हैं या नहीं अगर ये क्वालिटीज़ हम पर अप्लाई होती हैं तो हम वाकई हकीकी वाकईया हैं और इमाम रज़ा आसमाम की ये हदीस हम पर अप्लाई होती है कि अगर कोई इमाम हुसैन के लिए एक ज़र्रा अश्क बहाए उसके गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं उसके तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं और जहन्नम की आग उस पर हराम हो जाती है लेकिन अगर हम हकीकी शिया ना हों यह क्वालिटीज़ हमें ना हो तो अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि यह हदीस इमाम की हम पर अप्लाई नहीं होती इमाम की ये हदीस हम पर अप्लाई नहीं होती लिहाजा हमें इस हवाले से इमाम के इन क्वालिटीज़ को मद्देनजर नज़र रख कर इमाम पर गिरिया करना चाहिए इमाम को इमाम हिदायत करार देना चाहिए ज़िंदगी के मुख्तलि शोबे हैं हर शोबे में हमें इमाम के नज़रियात को देखना चाहिए हर शोबे में हमें इमाम के उस नज़रिए को और उन फरामीन को और उस सीरत को देखना चाहिए कि के जिनके मुताबिक उन्होंने अपनी ज़िंदगी गुजारी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आज़ादारी के अयाम हैं तो हमारा ओवान गुफ्तु चूँकि इमाम हुसैन दवाए दर्द इंसानियत है कि इंसानों का जो दर्द है बुनियादी दर्द है और मुख्तलिफ़ अमराज हैं उनकी दवा इमाम है आइए इमाम से पूछते हैं कि इंसानियत का सबसे बड़ा दर्द क्या है जो रिवायत जो हदीस मैंने सरनामा कलाम में जिसकी तिलावत का शरफ़ हासिल किया उसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम इंसानियत के सबसे बड़े दर्द को बयान फरमाते हैं कि अला आबीदियाद्दीन कि लोग दुनिया के बंदे हैं, अन्नास तमाम इंसान दुनिया के बंदे हैं वद्दीनसिम और दीन उनकी ज़बान पर एक लखल़ ज़बानी है दीन उनके ज़बान का लकलका बना हुआ है जब वो अपने आप को दीनदार कहते हैं तो ये दीनदारी सिर्फ़ उनके लख़ल़ ज़बानी है उनके ज़बान पर फैमसु बिलबला और जब उन्हें आज़माया जाता है जब उन पर मुश्किल आती हैं और उन्हें आज़माने का वक्त आ, आता है तो कल्लत दयानून दीनदार कम हो जाते हैं बस इंसानियत के सबसे बड़े दर्द को इमाम क्या बयान फरमाते हैं कि दुनिया परस्ती और दुनिया का बंदा बनना दुनिया का बंदा बनना इंसान की स... इंसान का सबसे बड़ा दर्द है कि ये इंसान दुनिया का गुलाम बन चुका है दुनिया का बंदा बन, बन चुका है और जितने भी जितनी भी खराबियां हैं इंसान की ज़िंदगी में तारीख़ में जितनी खराबियां गुजरी हैं हाल में जितनी खराबियां हाकिम हैं इस दुनिया पर हमारे लोगों पर हमारे मुल्कों पर हमारे माशरे पर जितनी भी खराबियाँ हाकिम है इमाम हुसैन आलम बयान फरमाते हैं कि उन सब की बुनियाद और उनका सबका जड़ हुब दुनिया है और दुनिया की मोहब्बत है कि हम इस दुनिया में आए हैं हम इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारने आए हैं सालों से इस दुनिया में ज़िंदगी गुजार रहे हैं लेकिन आज तक हमने ये समझने की कोशिश नहीं किया कि हमारा इमाम इस दुनिया को किस निगाह से देखता है हमारे आई मासूमी इस दुनिया को किस नज़र और किस निगाह से देखते हैं आज तक हमने इस बात को समझने की कोशिश नहीं की कितनी हदीसों का हमने इस दुनिया के बारे में मुताह किया है कितनी किताबों का हमने किया है कि आकर इमाम की निगाह से इस दुनिया को देखें क्योंकि हमने उन्हें अपना रहबर और पेशवा उन्हें करार दिया है वो हमारे रहबर हैं वो हमारे पेशवा हैं तो हम आकर देखें कि वो इस दुनिया को किस निगाह से देखते हैं ये दुनिया मैं इस दुनिया में तो बहुत लुत्फ उठा रहा हूँ लज्जत उठा रहा हूँ मज़े से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ क्या हमारे आयमई मासूमिन जिस निगाह से मैं दुनिया को देख रहा हूँ क्या वो भी इस निगाह से दुनिया को देखते हैं क्या उनकी नज़र में भी उनके नज़दीक भी दुनिया इतनी ही शेरीन और लज्जत बख्श है जितनी मेरे नज़दीक ये दुनिया शेरीन और लजत बख्श है अगर हम उन्हें अपना रहबर और इमाम करार देते हैं हुदा कि आप इमाम के इमाम हैं अगर आप मेरे लिए भी हिदायत के इमाम हैं तो आपकी हिदायत इस दुनिया के बारे में क्या है हमें यह देखना चाहिए कि अगर हम उनको अपने इस दुनिया का और आखिरत का रहबर करार देते हैं आइए देखते हैं कि इमाम मासूम और आईम मासूमीन दुनिया को किस निगाह से देखते हैं अफ़सोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे नज़दीक दुनिया का जो नज़रिया है और आईमा मासूमी के नज़दीक जो दुनिया का नज़रिया है उनमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ है अफसोस के साथ कि मैंने इतने साल आज़ादारी की मजालसों में शिरकत की लेकिन मेरे नज़रिए में और इमाम हुसैन अमाम के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ है मैं बड़े फ़ख्र से कहता रहा कि मैं अली अपने तालिब का शिया हूँ मैं अली अपने आबीता तालिब का पैरोकार हूँ लेकिन अली अपने अभी तालिब इस दुनिया को जिस निगाह से देखते हैं और मेरी निगाह में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ है बस नज़रियाती हवाले से मेरे और आयम मासूमी के दरमियान काफ़ी गहरा फ़र्क़ है फ़िक्री हवाले से और अमली हवाले से इन तमाम हवालों से मेरे और आय मासूमी के नज़रियात और अफकार औराल के दरमियान ज़मीन और आसमान का फ़र्क़ है इमाम अलीलाम علی क्या फ़रमाते हैं कि दुनिया सूख खुसरान कि दुनिया खसारे की जगह है यानी इस दुनिया में जो भी आता है सबसे पहली मंजिल खसारे की मंजिल है वो खसरान और नुक़सान के साथ रूबरू होता है मगर ये कि वो खास शराइ को अपने ऊपर लागू करे तब जाकर वो इस खसारे से बच सकता है और इस हकीक़त को क़ुरान मजीद भी बहुत ख़ूबसूरत अंदाज़ में सुर असर में बयान फ़रमाता है कि बसमिल्लर रहीम

बस ये दुनिया इमाम अलीम की नज़दीक नुकसान की जगह है खसारे की जगह है अगर इंसान अपने किसी महबूब को अपने औलाद को अपने वालदा को किसी ऐसी जगह पर ले जाए जहाँ पर नुकसान ही नुकसान हो तो उस शख़्स को कितना एहतियात करना चाहिए कि अगर इंसान किसी ऐसी जगह पर करार पाए किसी ऐसे दुकान में करार पाए जहाँ पर फ़्रॉड की चांसिस ज़्यादा हो तो इंसान क्या करता है इंसान की अक्ल इंसान को क्या हुक्म करती है कि वहाँ पर बहुत ही एहतियात की ज़रूरत है क्या हम इस खसारे की दुकान में ये दुनिया खसारे की दुकान है इमाम मामा सलाम के नज़दीक क्या हम वाकई यहाँ पर एहतियात करते हैं क्या अकली तकों को पूरा करते हैं नहीं हम इस दुनिया को फ़ायदे की जगह समझते हैं हम इस दुनिया को लज्जतों की जगह समझते हैं हम इस दुनिया में अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इन्जॉय करने में लगे हैं या इमाम अलैहिस्सलाम अपने अपनी एक दूसरी हदीस में क्या फरमाते हैं कहते हैं एक दिन इमाम अलैहिस्सलाम कोफ़ा से कहीं पर सफ़र करने के लिए निकलते हैं और रबज़ा के मकाम पर उनका तोक़फ़ होता है वो वहाँ पर रुकते हैं इमाम का खैमा नस्फ़ होता है इमाम अपने ख़ैमे में अपने चप्पल को वसला लगा रहे होते हैं उसकी मुरम्मत कर रहे होते हैं तो इब्ने अब्बास इमाम अली अलैहिस्सलाम के पास आता है देखता है कि इमाम अपने चप्पल को तैयार करने में और उसे मरम्मत करने में मसरूफ़ हैं तो इब्ने अब्बास कहता है कि ए इमाम लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं और आप आप अपनी चप्पलें दुरुस्त कर रहे हैं तो इमाम अली अलैहिस्सलाम इब्ने अब्बास से सवाल फरमाते हैं कि इब्ने अब्बास मेरा मेरी ये चप्पलें इसकी कीमत तुम्हारी नज़दीक क्या हैं तो इब्ने अब्बास कहता है कि ए इमाम ये इंतहाई पुराना चप्पल है इसकी कोई कीमत भी नहीं है तो इमाम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि ये दुनिया और इस दुनिया पर हुकूमत करना मेरे नज़दीक इस चप्पल से भी उसकी अहमियत कमतर है इस चप्पल से भी इस दुनिया और इस दुनिया पर हुकूमत करना उसकी अहमियत इस चप्पल से भी मेरे नज़दीक कमतर है यानी इमाम इस निगाह से दुनिया को देखते हैं लेकिन हम किस निगाह से दुनिया को देखते हैं हम किस निगाह से हमारी नज़दीक दुनिया सबसे महबूब है हम अपने इस दुनिया के लिए अपने ईमान को तबाह कर देते हैं हम अपनी इस दुनिया के लिए अपने दीन को तबाह कर देते हैं इसी दुनिया के लिए लोग नमाज़ों को नहीं छोड़ते यही आजादार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी इसी दुनिया के लिए अपनी ख्वाहिश नफ्स के लिए अपनी नौकरियों के लिए अपने मुख्तलिफ़ ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ मुख्तलिमूर के लिए दीन को नहीं छोड़ते नमाज़ को नहीं छोड़ते रोज़े को नहीं छोड़ते दीनी मुख्तलिफ़ दीनी उमर को छोड़ देते हैं बस मेरे और इमाम अलीलाम के नज़रिए में ज़मीन आसमान का फ़र्क़ है कि इमाम फरमाते हैं ये दुनिया मेरे नज़दीक इस चप्पल से भी उसकी अहमियत कमतर है उसकी अर्जिश और उसका मकाम पस्तर है लेकिन मेरे नज़दीक ये दुनिया फ़र्स्ट प्रायोरिटी रखती है मैं अपनी तमाम चीज़ों को अपनी सेहत को अपनी ज़िंदगी को अपने दीन को अपनी तमाम चीज़ों को अपनी ज़िंदगी के लिए अपने बच्चों के लिए कुर्बान कर देता हूँ ऐसे लोगों की शियो में भी कमी नहीं कि जो इस तरह अपनी ज़िंदगी गुज़ारते हैं पैसों के लिए हलाल और हराम के फ़र्क़ को छोड़ देते हैं पैसों के लिए नहीं देखते कि ये हलाल हैं हराम हैं रिश्वत है गैर रिश्वत है, इन तमाम चीज़ों को निगलैक्ट करके बस चूँकि उनकी ज़िंदगी उनकी ज़िंदगी की प्रा, प्रायोरिटी पैसे हैं दुनिया है वो उसके लिए तमाम चीज़ों को छोड़ देते हैं बस इमाम इमाम अलीलाम का शिया इमाम का शिया ऐसा नहीं अगर हम हकी शिया होते तो हमारे नज़दीक दुनिया एक और दुनिया होती एक और हदीस में क्या बयान फरमाते हैं इमाम अलीम फरमाते हैं कि मखी इंसान मखी को देखे और मखी के फ़जले और उस फजूल माद जो उससे ख़ारिज होता है इमाम फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक दुनिया उससे भी पस्र है रसूल अखर फरमाते हैं कि इन आईमत दुनिया अकल व असगर वन द्ला हिमिन ख़ुर बुज़ आतन कि यह दुनिया और इस दुनिया की तमाम ना तज़दीक उस मक्की के उस निजात से और उस फज़ले से भी अल्लाह के नज़दीक उसकी अहमियत कमतर है कहाँ अल्लाह के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत अल्लाह के अलिया के नज़दीक इस दुनिया की हैसियत और हमारे नज़दीक इस दुनिया की हैसियत इस कदर दोनों में फ़र्क़ है तो लिहाजा अगर हम उन्हें इमाम करार देते हैं अगर हमने उन्हें इमाम करार देना है तो हमें अपने नज़रियात की असलाह करनी चाहिए हमें अपने मोहब्बतों की असलाह करनी चाहिए हमें अपने ख्वाहिश की असलाह करनी चाहिए हमारे नज़रियात हमारी ख्वाहिशात हमारे आमाल उनके नज़रियात उनकी ख्वाहिशात और उनके अफकार और नज़रियात और अमाल के तब हो या दूसरी हदीस में इन न दुनिया कुम इन दी लिन वरकिन फी फम जरा तक इमाम फरमाते हैं कि तुम्हारी दुनिया लोग उस दुनिया के लिए जिसके लिए तुम हम अपना सारा कुछ कुर्बान कर देते हो देते हो तुम्हारी ये दुनिया मेरे नज़दीक किसी जानवर के मुंह के अंदर किसी परिंदे के मुंह के अंदर जो एक पत्ते का एक छोटा सा हिस्सा है और उसने उसे चबाया हुआ है मेरे नज़दीक ये दुनिया उससे भी कम अहमियत अहमियतर है मेरे नज़दीक ये दुनिया उससे भी पस्तर है या दूसरी हदीस में क्या फरमाते हैं कि अ दुनिया सजनल मोमिन ये दुनिया मोमिन के लिए एक जिंदान है ये दुनिया मोमिन के लिए जेल है जिस तरह जेल में एक मोमिन जिस तरह जिंदान में एक मोमिन तड़पता है वो खुश नहीं होता वो अपनी ज़िंदगी बेहतरीन तरीक़े से उस जेल में नहीं गुजार सकता ये दुनिया मोमिन के लिए ज़िंदान की हैसियत रखता है ये दुनिया मोमिन के लिए उस जेल की हैसियत रखता है जहाँ पर वो ज़िंदगी के मुख्तलिफ अमूर को तो अंजाम देता है ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ कामों को तो अंजाम देता है लेकिन वहाँ पर यह इंसान मतम नहीं है वहाँ पर यह इंसान खुश नहीं है वहाँ पर यह इंसान इस इंतज़ार में है कि कब इस जेल से उसे रहाई मिले इस दुनिया में भी हम इसी नज़रिए के साथ अगर हम ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दु, दुनिया की मुसीबतें झेलना आसान हो जाती इंसान की ज़िंदगी से इंसान की ज़िंदगी में जब नेमतों का जवाल आ जाता है तो अगर हम इस नज़रिए और इस बुनियाद पर इस दुनिया में ज़िंदगी करना शुरू कर दें तो नेमतों का जवाल इंसान को गमगीन नहीं कर देता दुनिया की तमाम मुश्किलात, दुनिया की तमाम आजमाइशें उस वक्त इंसान को गमगीन करती हैं कि जब इंसान इस दुनिया से मोहब्बत करने लगता है इंसान कभी भी जेल से मोहब्बत नहीं करता आप जाकर उन कैदियों से पूछें कि क्या तुम इस जेल से इस जेल की दीवारों से अपने उस सेल से मोहब्बत करते हो तो यकीनन ना वो उन दीवारों से मोहब्बत करता है ना अपने सोने की जगह से वो मोहब्बत करता है बस वो शब रोज़ ज़िंदगी गुजारता है कि कब उसकी रिहाई का मौका आएगा आय मासूमी की निगाह दुनिया के बारे में एक ऐसी निगाह है और हमें भी इस दुनिया में इसी निगाह के साथ ज़िंदगी करनी चाहिए तो यकीनन इसी सूरत में हम आय मासूमी के हकीकी शिया और हकीकी पैरोकार बन सकते हैं ये मजालिस च चूँकि मारफत की मजालिस हैं इन मजालिस से इंसान को रूहानी तरक्की मिलती है रूहानी तरक्की का एक तरीक़ा ये है कि इंसान मारफ़ अहल वैद से आशना हो इंसान मारफ अहल बैत से अपने वजूद को सरशार करे और इसके साथ साथ एक और तरीक़ा ये है कि इंसान मसाइब अहल बैत पर गिरिया करे मसाइब अहल बैत कर अहल बैत पर गिरिया करना मसाइब इमाम हसैन आलम पर गिरिया करना सिर्फ़ एक फार्मेलिटी नहीं है बल्कि रूहानी तरक्की का एक तरीक़ा है रूहानी तरक्की का एक रास्ता है कि जिसके ज़रिए हम अपनी रूह को बुलंद परवाज दे सकते हैं एक मख्तसर तवसल करते हैं आयम मासूमिन के साथ पहली मुहरम है नॉर्मली पहली मुहरम को मसाहिब विदा पड़ी जाती है कि किस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने विदा किया मदीने से जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को बेत के लिए बुलाया गया तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने एक शब की मोहलत मांगी कि मुझे एक शब की मोहलत दो ताकि मैं फ़िक्र करूँ इमाम आए घर में और फ़ौर अपने घर वालों से अपने अब से जमा होने को कहा और सफ़र के लिए आमादगी का कहा। इस दौरान जब अहल बैतूल सफ़र की आमादगी कर रहे थे सफ़र के लिए तैयार हो रहे थे तो इमाम हुसैन नाना की क़ब्र पर जाते हैं नाना की कब्र की तरफ़ जाने लगते हैं बनी हाशिम के कूचों से गुजर कर नाना की कब्र की तरफ जाना चाहते रवायात में बयान हुआ है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिल गमगीन हो जाता है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के अश्क जारी हो जाते हैं और बेसाख्त एक आवाज़ निकलती है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुँह से अपने बाई हसन मुशतबाँ को पुकारते हैं कि भैया हसन मुझे तुम्हारी याद आ रही है तुम्हारी कमी महसूस हो रही है गिरिया करके रसूल खुदा की कब्र पर जाते हैं पहुँचते हैं रसूल खुदा की कब्र पर पहुँचते हैं नाना की कब्र पर अपने आप को गिराते हैं एक गशी तारी हो जाती है रसूल खुदा को ख्वाब में देखते हैं नाना मेरे लिए मदीना को तर्क करना मेरे लिए मदीना को छोड़ना इंतहाई मुश्किल है इंतहाई सख्त है लेकिन क्या करूं कि ये उम्मत मुझे मजबूर कर रही है नाना मेरे लिए आपकी जुदाई आपके कब्र और मज़ार की जुदाई इंतहाई सख्त है एक मरतबा रसूल ख़ुदा आगे बढ़ते हैं इमाम हुसैन आसमाम को अपनी आगोश में लेते हैं हुसैन फ़िक्र न करना बस इंतहाई जल्द ही तुम मेरे साथ मुलहक हो जाओगे तुम हमारी तरफ लौट आओगे इमाम हुसैन वहाँ से चलते हैं इमाम हज़रत जहरा सलाम ला कीबर की, की जानब हज़रत जहरा की खबर पर अपने आप को गिराते हैं माँ की जुदाई माँ के मजार की जुदाई भी इमें हुसैन आलाम के लिए इंतहाई सख्त है माँ के मज़ार की, की जुदाई सख्त है वहाँ पर भी अपने आप को गिराते हैं और नक़ल हुआ है कि जिस तरह एक बच्चा एक बच्चा अपनी माँ के लाशे पर अपने आप को गिराता है गिरिया वजारी करता है इमाम हुसैन हजरत ज़हरा सलाम्ल के कब्र पर अपने आप को गिराते हैं और गिरिया करते हैं आते हैं इमाम हसन मुशतबा सलाम की कब्र पर वहाँ से विदा करते हैं और अहल ख़ाना को रवाना होने के लिए कहते हैं अहल खाना तैयार होते हैं लेकिन एक अजीब मन मंज़र आता है एक अजीब मंजर आता है जब जैनब कुबरा सलाम्लहा हागर से निकलती हैं तो बनी हाशिम के जवान हल्का बनाते हैं एक दायरा बनाते हैं कि ताकि कोई ना महरम जैनबरा को ना देखे किस शान शौकत के साथ ज़ैनबर को सवार किया जाता है महमिल में सवार किया जाता है एक मरतबा एक, एक तरफ से एक जानब से अली अकबर आगे बढ़ते हैं अपना जानू आगे बढ़ाते हैं बीबी जैनब सलाम्लहा अली अकबर के जानू पर अपना पाव रखकर महमिल पर सवार होती हैं किस शान शौकत से सवार हुई जैनब एक ये सवारी है और एक सवारी ग्यारह मुहर्रम की सुबह को है जब यह जैनब करबला से रवाना होती है किस तरह पुश्ते गर्दन हाथ बंधे हुए हैं ना अली अकबर है ना अब्बास है ना हुसैन है किस मजलूमियत से सवार हुई है जैनब किस मजलूमियत से सवार हुई है जैनब और किस मजलूमियत से يَا زَيْنَبُ کے مجمع میں زینب کو لے جایا گیا الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا ايام قلبي ينقلبون